आज पूरे देश में दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। कल धनतेरस का पर्व था और ये कहा गया है कि अगर हम त्यौहार को बिल्कुल ठीक ठीक मनाएं, इसके प्रति जो सच्ची धारणा है, सद्विचार है, सच्ची भावना है, हम उसके साथ हम त्यौहार को मनाएं, तो हमारी सभी प्रकार की दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। एक दिक्कत ये होती है कि आज हम अकेले हैं, आज बड़ा सूना लग रहा है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर हम त्यौहार को हम उस सिद्धांत में मनाएं जिस सिद्धांत के लिए त्यौहार बना है, तो याद रखिए कभी अकेलापन नहीं लगता है, कभी डर नहीं लगेगी, कभी बीमारी नहीं आएगी, कभी तनाव चिंता किसी भी प्रकार की चिंता ये भी चिंता नहीं होगी कि हमें पता नहीं है पिछला जन्म क्या था, ये भी नहीं चिंता होगी कि हम भविष्य को जाने, ऐसा लगेगा कि सब आता है, जो हम जानना चाहते हैं वो ज्ञात है, जिसके भी इच्छा ही नहीं किए हैं तो उसकी कोई बात ही नहीं है। याद रखिए अगर 2, 4, 6, 10 जन्म पीछे का जान लिए फिर इच्छाएँ ख़त्म हो जाती हैं, फिर लगता है कि हम तो थे, और उसी समय अगर अगला जन्म पता चल गया कि हम करेंगे क्या, तो ये जन्म और व्यवस्थित होता है कि अगले जन्म में और अच्छी तरह से कर सके। ठीक वैसे ही जैसे अगर कक्षा 8 की पढ़ाई अच्छी तरह से कर ले तो कक्षा 9 की पढ़ाई आसान होगी। हमें भविष्य को सुनहरा करने के लिए वर्तमान को मजबूत करना पड़ता है, क्योंकि वर्तमान भविष्य की नींव है। तो याद रखिए जितने भी पर्व मनाए जाते हैं वो एक ही भाव को, एक ही विचार को, एक ही धारणा को प्रकट करते हैं। जैसे दीपावली है, हम जब दीपावली में 7 दीपक जलाते हैं, घर में जलाते हैं, खेतों में जलाते हैं, पेड़ के नीचे जलाते हैं, सब जगह पर जलाते हैं, तो होलिका क्या है? होलिका में आप जानते हैं कि कुछ जलाते हैं, आग लगाते हैं, होलिका के नाम पर हम ऐसा करते हैं कि प्रहलाद बच गए, उनकी बहन जल गई, तो ये सब जो सोचते हैं ये क्या है, ये 2 पर्व है, ये 2 क्या है? फिर आ गया दशहरा, फिर आ गया और अनेक पर्व माघ मेला में, फिर 12 वर्ष का कल्पवास, फिर संगम स्नान, त्रिवेणी स्नान, चारों धाम की यात्रा, ये सब अलग अलग क्या है? तो लगता है कि अलग अलग करने में तो हम पूरा जीवन लग जाएगा, तब भी ख़त्म नहीं होगा। ऐसे ही कभी राम का नाम, कभी कृष्ण का, कभी निराकार, कभी साकार, कभी ईसा मसीह, कभी गौतम बुद्ध, कभी महावीर स्वामी, कभी कबीरदास जी, नानक देव जी, ये कितना कितना किया जाए। फिर पता चला कि दुर्गा माँ, फिर काली माँ, सरस्वती, इस तरह से जो तरह तरह की अनेक पद्धतियों आध्यात्मिक क्षेत्र में की जाती हैं, इसका कारण सिर्फ एक है कि हमें एक के बारे में भी पता नहीं है। होलिका क्या है? कुछ सुन लिया, सुन करके जल्दी से निष्कर्ष पर आ गए और होलिका का पर्व चलने लगा। ऐसे दीपावली है, थोड़ा सा सुना, पढ़ा, समझा और दीपावली मनाने लगे। अगर हम एक भी पर्व ठीक से मना लें, सच्ची भावना के साथ, सच्ची धारणा के साथ, सच्चे विचार के साथ, तो पता चलेगा कि जितने भी पर्व हैं सब एक ही को इंगित करते हैं। जैसे अगर हम जान लें कि भाप क्या है तो पानी को जान लेंगे, जान लें कि पानी क्या है तो भाप को जान लेंगे, बर्फ को जान लेंगे,
इसी तरह से किसी एक अगर आध्यात्मिक जो परंपरा है जिसे रिलीजियस फेस्टिवल कहते हैं, अगर उसको समझ लिए तो सब वही है, उसको अलग अलग तरह से कहते हैं। जैसे संस्कृत में है ना, अहम गच्छाम, ऐसा भी कह सकते हैं गच्छाम या हम, दोनों सही है। अहम गच्छाम चाहे तो एक लाइन में लिखें या अहम गच्छाम हम इस तरह से लिखें, ऊपर नीचे दोनों सही है। ऐसे ही एक बात जब समझ में नहीं आती है और बिना ध्यान की गहराई में बैठे समझते हैं, उसी एक बात को हम अलग अलग तरह से जब प्रकट करते हैं तो ढेर सारी चीज़ें बन जाती हैं और लगता है कि ये सब अलग अलग है। दीपावली अलग है, होली अलग है, नवरात्र व्रत एक ये है, फिर सुंदरकांड का पाठ है, अखंड रामायण है, ये सब न जाने क्या क्या है, इतनी चीज़ें हैं, फिर 12 वर्ष का कल्पवास है, संगम में डुबकी, त्रिवेणी में डुबकी, ये जितनी चीज़ें हैं, ईसा मसीह की पूजा, क्रिसमस डे, ये सब एक ही है, अलग अलग नहीं है। एक समझ लिए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर हाँ, सभी प्रकार के पर्वों की जब व्याख्या करेंगे तो एक ही आएगी, दो नहीं आएगी। जैसे भाप की व्याख्या करिए तो क्या मिलेगा, H2O। पानी की व्याख्या करिए क्या मिलेगा, H2O। बर्फ की व्याख्या करिए, H2O। ऐसे जब दीपावली की व्याख्या करेंगे तो क्या मिलेगा, होलिका दहन। होलिका दहन की व्याख्या करेंगे फिर क्या मिलेगा, नवरात्र व्रत। इसकी व्याख्या करेंगे तब क्या मिलेगा, 12 वर्ष का कल्पवास। इसकी व्याख्या करेंगे फिर क्या मिलेगा, क्रिसमस डे। इसकी व्याख्या करेंगे फिर क्या मिलेगा, जितनी चीज़ें हम कहते हैं और सुनते हैं पढ़ते हैं सब एक ही को प्रकट करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अलग अलग है। तो कल थी धनतेरस। धनतेरस क्या है, इसको ध्यान से समझिए। जब हम क्रियायोग ध्यान करते हैं तो अपने स्वरूप के अंदर 14 भुवन दिखाई पड़ते हैं। 14 भुवन को हम 7 पाताल, 7 स्वर्ग कहते हैं। जो 7 स्वर्ग है वह है भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जन, तप और सत्यलोक। ये 7 हुए स्वर्ग। तो जब हम तपोलोक पर पहुँचते हैं तो ये 13वां भुवन हुआ। 7 पाताल है, उसके बाद 8वां भूलोक, पहला स्वर्ग, भूवरलोक, ये दूसरा स्वर्ग, ऐसे करके गिनते चले जाइए। तो जो तपोलोक है इसको 13वां स्वर्ग कहते हैं, 13वां भुवन कहते हैं। जो 7 स्वर्ग है ये 6ठे नंबर का है। तो धन क्या है, सिर से पैर की उंगली तक इससे कुछ निकल जाता है तो आप क्या कहते हैं कि निधन हो गया। इसके अंदर जो कुछ है जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम बैठे हैं, अनेक प्रकार के क्रियाकलाप कर रहे हैं मन और बुद्धि से, तरह तरह से, ये उसकी वजह से है जो अंदर में कुछ है। और जब जो कुछ है वो नहीं रहा तो कहते हैं निधन हो गया। तो धनतेरस क्या है, अपने अंदर वो जो कुछ विद्यमान है जिसकी वजह से समस्त क्रियाकलाप है, जब हम 13वें भुवन पर पहुँचते हैं साधना करते करते, अपने अंदर जो 13वां भुवन है जिसको 6ठा स्वर्ग कहते हैं, जब उसमें एकाग्र हो जाते हैं तब सुनिश्चित हो गया कि धन मिलेगा। धन की पूर्णता की स्थिति में आएंगे, इसीलिए इसको धनतेरस कहते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से समझ नहीं पाए तो धनतेरस के दिन खूब खरीददारी होती है। लोग कहते हैं कि जो बहुत भाग्यशाली है सोना खरीदता है, कोई चांदी खरीदता है, जिसके जैसे भाग्य है वैसे धनतेरस में चीज़ों की खरीदारी करता है। ये एकदम गलत है, टोटल गलत है, क्योंकि सच एक है,
फेस्टिवल एक है, रिलीजियस फेस्टिवल एक है, दो संभव ही नहीं है। जब एक समझ में नहीं आता, कोई चीज़ कोई बताया और हमें समझ में आया, जो कुछ आया हमने मान लिया कि समझ में आया और समझ में नहीं आया था, फिर हमको बताएंगे, तो वही जो रिलीजियस फेस्टिवल है कुछ और तरह से प्रकट होगा। फिर आप बताएंगे तो तीसरी तरह से होगा, वो बताएंगे चौथी तरह से होगा। चूंकि इसमें मनोरंजन जोड़ दिया जाता है, इसलिए स्वीकार हो जाता है कि सही है। जैसे प्रसाद है, खाने में अच्छा लगता है, लड्डू है, अब तो रसगुल्ला भी चढ़ता है, गुलाब जामुन भी चढ़ती है, जो गांजा पीते हैं गांजा भी चढ़ाते हैं, धतूरा भी चढ़ाते हैं, शराब भी चढ़ाते हैं। इस तरह से देखिए, जो हम ईश्वर के नाम पर करते हैं, जब मन और बुद्धि को अच्छा लगता है तो उसको मान लेते हैं, सही हो या न हो। तो धनतेरस का अर्थ ये है कि अब हम साधना करते करते 13वें भुवन पर पहुंच गए हैं, जिसे हम छठा स्वर्ग कहते हैं, और उसी को तपोलोक कहते हैं। ऐसी स्थिति में अपने अंदर जो धैर्य है अनंत हो जाता है, श्रद्धा अनंत हो जाती है। जब श्रद्धा अनंत हो जाती है, धैर्य अनंत हो जाता है, तो हम किसी की आलोचना इस तरह से नहीं करते हैं कि वो छोटा साबित हो, किसी को छोटा मानते ही नहीं है। पता चलता है ये आदमी जो गलत किया, ये जो गलत काम कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है, उनको सच पता नहीं है। कोई आदमी मैथ लगाए, गलती हो गई, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि उसके भाग्य गलत है, उसको मैथ सिखाइए ठीक से लगाने लगेगा। तो जब श्रद्धावान हो जाते हैं तो हम किसी की निंदा नहीं करते हैं और सबको जानते हैं, उसी के अनुरूप काम करते हैं। तो धनतेरस, साधना करते करते अपने अंदर एकाग्रता बढ़ाते बढ़ाते जब हम 13वें भुवन पर पहुँचते हैं, जिसको छठा स्वर्ग कहते हैं, तो सुनिश्चित हो जाता है कि जिस धन को खोज रहे थे वो मिलेगा। फिर अगले क्षण जिसको 14वां भुवन कहते हैं, दीपमालिका है, मिल गया। दीपमालिका में देखिए 7 दीपक जलाते हैं, दीपमालिका में 7 दीपक जलाते हैं। जब 14वें भुवन में पहुँचते हैं तो पता चला सिर और रीढ़ में 7 ज्ञान के केंद्र हैं। सहस्रार 1, आज्ञा चक्र 2, विशुद्धि, सीना के पीछे अनहद, पेट के पीछे मणिपुर, नीचे स्वाधिष्ठान और मूलाधार। ये जो 7 केंद्र हैं, ये जगमगा जाते हैं, ये इसके अंदर जो ज्ञान भरा है वो खिल जाता है, इनके अंदर की शक्ति प्रकट हो जाती है, इसी को दीप मालिका कहते हैं। इसको बाइबल में 7 कैंडल्स, 7 चर्चेज, 7 स्टार्स इस तरह से कहा गया है। तो याद रखिए, धीरे धीरे समय आ रहा है कि सब लोग धनतेरस को ठीक से मनाएंगे, दीपावली को ठीक से मनाएंगे। फिर दीपावली में ये जो पटाखा दगाने की बात, तरह तरह की फुलझड़ियाँ, ये जो आतिशबाजी करते, ये क्या है? तो जब हम 14 भुवन की यात्रा अपने अंदर करते हैं तो भ्रमध्य के सामने तरह तरह का प्रकाश दिखता है। वो जब नहीं दिखता है तो हम बाहर प्रकाश का पर्व मनाते हैं। अपने अंदर जब हम सच की खोज करते हैं, 14 भुवन की यात्रा करते हैं, तो तरह तरह की ध्वनि तरंगें सुनाई पड़ती हैं। उसको नहीं सुन पाते हैं तो रिचुअल के रूप में हम पटाखा दगाते हैं, ढोल बजाते हैं, कीर्तन करते हैं। तो जितनी चीज़ें हम बाहर करते हैं, इसका अलौकिक स्वरूप अपने अंतःकरण में विद्यमान है। तो याद रखिएगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि आप पूछे नहीं कि क्रिया योग ध्यान जब हम करेंगे तो रिलीजियस फेस्टिवल, धार्मिक त्यौहार के विषय में ठीक ठीक जानकारी होगी, फिर समाज में सुधार होगा, समाज की जो अव्यवस्था है
शासन प्रशासन न्यायपालिका व्यापार ये सब ठीक होगा। आने वाला समय उसी तरफ जा रहा है। तो क्रिया योग ध्यान पूरे मनोयोग से करें, आप जितना सामर्थ्य अपने पूरे सामर्थ्य से करें, खुश होकर के करें। क्रिया योग ध्यान ऐसा ध्यान है कि जिसमें गलती हो ही नहीं सकती है। अगर आप खुश होकर के करें, पूरी एकाग्रता से करें, पूरे मनोयोग से करें, तो गलत करना संभव ही नहीं है। गलती तब होती है जब हम लालच में करते हैं कि एक ही दिन में हमें पूरी समाधि लग जाए, ये लालच है। एक ही दिन में परम ज्ञानी हो जाए, एक ही दिन में हमारे चक्र खुल जाए, कुंडलनी जग जाए, इंट्यूशन प्रकट हो जाए, जब इस लालच में पड़ते हैं तो गलत करते हैं। या जब इस लालच में करते हैं कि हम अच्छी तरह से क्रिया योग करें हमारा नाम होगा, तो गलत करेंगे। जब हम क्रिया योग करते हैं कुछ पाने के लिए कि हम अच्छे नंबर से पास हो जाएं, या हमें कोई सुविधा मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, मकान मिल जाए, तो याद रखिए फिर सही नहीं करेंगे। जब क्रिया योग को हम क्रिया योग जानने के लिए करते हैं तो इसे बहुत सही करेंगे और सारी इच्छाएँ अपने आप पूरी हो जाती हैं। जो भी जीवन में चाहिए सब मिलेगा। आप प्रयोग करके देखिए, एक चाहेंगे 1000 मिलेगा। तो हमें क्रिया योग का अभ्यास क्रिया योग समझने के लिए करें, तब देखेंगे क्रिया योग का अभ्यास भी हो जाएगा और सच पता चलेगा कि धनतेरस क्या है, दीपावली क्या है, फिर ये रामलीला क्या है, कृष्ण लीला क्या है, महाभारत क्या था, राम रावण युद्ध क्या था, सब पता चलेगा। कि जितनी चीज़ें मनाई जाती हैं सब गलत हैं, वो सही नहीं है। अगर सही होता तो सांच को आँच नहीं, आँच है त्रिविध ताप, शारीरिक बीमारियाँ, मानसिक चिंता, अज्ञानता, ये 3 ताप होते हैं जिसको दैहिक दैविक भौतिक कहते हैं। तो अगर सच हमारे पास है, हम सच जानते हैं, तो त्रिविध ताप होगा ही नहीं। अगर किसी एक के विषय में सच जान जाएं कि प्रकाश क्या है, अगर जान जाएं तो सभी प्रकार के कष्ट समाप्त। पानी की एक बूंद क्या है जान जाएं, सभी कष्ट समाप्त। किसी भी वस्तु के विषय में अगर सच्चा ज्ञान हो जाए, सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। और पढ़ते रहिए, सच्चा ज्ञान होने वाला नहीं है। लेक्चर सुनते रहिए, होने वाला नहीं। कुछ भी करते रहिए, होने वाला नहीं। जब क्रिया योग ध्यान करेंगे, क्रिया योग जानने के लिए, तो सच्चे की अनुभूति होगी और जन्म जन्मों की इच्छाएँ एकदम पूरी हो जाएंगी। तो निष्कर्ष क्या है कि आज के दिन हम लोग बहुत अच्छी तरह अभ्यास करेंगे।